मैं श्रीमती रजनी सोनवानी, प्राथमिक शाला गुंडरदही, विकासखंड अंबागढ़ चौकी में प्रधान पाठिका के रूप में पदस्थ हूँ। ग्राम गुंडरदही वैसे तो बहुत छोटी सी बस्ती है, लेकिन अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, सारे लोग अच्छे हैं। लड़कियों की परसेंटेज क्या है यहाँ? मैम, लड़कियों का परसेंटेज यहाँ पर 40% है और लड़कों का परसेंट कम 50% हो जाओ। यहाँ बच्चों की पढ़ाई की स्तर पर आप अपना बात रखेंगे? यहाँ बच्चे तो बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जो बताते हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। बच्चे जिस भाषा को ज़्यादा जाने उस भाषा को हम लोग बताते हैं, जैसे बच्चे यहाँ के छत्तीसगढ़ी ज़्यादा जानते हैं। वैसे हमें आदेश भी है कि बच्चा यदि स्थानीय बोली पर सीख रहा है तो उसे स्थानीय बोली से ही पढ़ाया जाए, तो हम लोग अधिकतर यहाँ पर छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करते हैं। बच्चे को हम बताते हैं, इंग्लिश के शब्द भी बताएंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे और उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं ये भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, तो क्या है, यहाँ पर सारी महिलाएं खेत के काम में निकल जाती हैं सुबह से, उनको बच्चों के लिए वो टाइम नहीं दे पाते ज़्यादा से ज़्यादा। तो कभी क्या है, कभी कभी कोई बच्चा ऐसे ही आ जाता है बिना छुट्टी किए, या टाई बेल्ट नहीं है, या जूता मोजा पहन के नहीं आया है, या पहना भी है तो ढंग से नहीं पहना है, उल्टा सीधा। प्रेयर होता है सुबह 10:30 बजे, उस समय हम चारों मिल करके यहाँ पर देखते हैं सभी बच्चों को, टाई बेल्ट जूता मोजा यदि ढंग से नहीं है तो हम खुद उन लोगों को पहनाते हैं। गुंडरदही में जिस तरीका से महिला शिक्षक नए ढंग से प्राथमिक शाला के स्कूल को संचालित कर रहे हैं, ये एक चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए और ग्राम गुंडरदही के बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडियन हट के लिए।